जितने की दूसरी सूची में जहां जीते हुए विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो वहीं सिंधिया समर्थक नेता जो पिछले उपचुनाव में हार चुके हैं उन्हें एक बार फिर टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 5 नेताओं को टिकट मिला है। इनमें इमरती देवी, रघुराज कंसाना, हीरेंद्र सिंह बंटी, मोहन राठौर और श्रीकांत चतुर्वेदी का नाम है। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव प्रश्न पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं, जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, ये कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की चली है, जिस तरीके से उन्होंने नेगोशिएट किया वो तमाम बातें इसमें ध्यान में रखी गई हैं। देखिए, हम आपको बताया कि भाजपा की अब तक 2 सूची आ गई नेहा, और दोनों सूची में अगर देखें तो सिंधिया समर्थकों को जगह मिली है। इससे पहले जो सूची आई थी 39 समर्थकों की, उसमें भी एक नेता ऐसे थे सिंधिया समर्थक जिनको सीट मिली है, दूसरे ऐसे समर्थक हैं जिनका टिकट कट गया है। लेकिन ये जो सूची आई है इसमें अगर आप देखें तो 39 नामों में से 5 नाम उनके हैं जो कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए थे। उनमें से 2 नाम तो ऐसे हैं जो 2020 का उपचुनाव हार गए थे, उस समय जब ज्यादातर उपचुनाव पे की सीटों पर भाजपा जीती थी। इमरती देवी डबरा से हार गई थी उस समय, उनको एक बार फिर से मौका दिया। ज्योतिराज सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं, और रघुराज कंसाना की बात करें मुरैना में, उस समय वो हार गए थे 2020 में उपचुनाव, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया का दबदबा जो है वो भाजपा में बरकरार है, बना हुआ है, और बार बार जो बात कही जाती है। रवीश, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आगे आपसे लेते रहेंगे।